आज हमने बनाया व्रत के अंदर साबूदाने के वड़े और साबूदाने की टिक्की, और साथ में मैंने बनाया प्लेन रायता। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते किचन में बनाते हैं साबूदाने के वड़े और टिक्की एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आज हम बना रहे हैं व्रत के लिए साबूदाने के वड़े, या कह लो या टिक्की कह लो, ये साबूदाना है। इसको मैंने, ये 150 ग्राम के करीब था, इसको मैंने अच्छी तरह धो के 4-5 घंटे के लिए सोख करके रखा था। इतना पानी डाल रहा है कि ये उसमें डूब जाए। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और ये बॉय आलू जो मैंने मैश कर लिए हैं 5-6 डालते हैं इसके अंदर। ये हरी मिर्च लिए बिल्कुल चॉप करके, आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो व्रत में तो कम डालिएगा। ये धनिया है चॉप, अदरक है, स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रहा हूँ, सेंधा नमक। व्रत में तो सेंधा नमक यूज़ होता, हम वैसे भी सेंधा नमक की यूज़ करते हैं। हो जाएगा इसमें काली मिर्च, एक चम्मच के करीब डाली मैंने, और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं इसके साथ। और ये क्रश करके मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, ये भी ऐड कर देते हैं इसके साथ। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है क्रश करके, जब हम उसको खाएंगे तो उसका क्रंची फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरह से मिक्स कर लिया, ये बाइंड तो हो गया। हाथों में मैंने घी लगा लिया है, या आप तेल लगा लीजिए जो सा आप तेल यूज़ करते हो व्रत में, यानी कि मूंगफली का तेल यूज़ होता है। और छोटे छोटे इसके हम टिक्कियाँ टाइप के, अगर बड़े बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ा सा छेद कर सकते हो तो बड़े शेप हो जाएंगे, वैसे करोगे तो टिक्की शेप हो जाएगी। अब तो जैसा इजी लगता है आप उस तरह की शेप बना सकते हो। तो मैं बना लेता हूँ फटाफट कुछ टिक्की टाइप के, कुछ वड़े टाइप के। पहले मैं टिक्की टाइप वड़ा टाइप बनाया था, अब टिक्की टाइप का बना लेता हूँ। मतलब कुछ फर्क नहीं है, बस बीच में होल करेंगे तो वड़ा का शेप ले लेगा वो, जैसे ये, और थोड़ा सा क्रैक होता है तो आप उसको प्रेस करके सेट कर सकते हो, कहीं हिलेगा नहीं है। मैं सभी को तैयार कर लेता फटाफट। सभी टिक्की और वड़े हमारे रेडी हो गए हैं, बस इनको फ्राई करना, चलते हैं गैस की साइड। एक फ्राई पैन लिया मैंने और डालते हैं इसमें मूंगफली का तेल, आप चाहे देसी घी डाल सकते हो, मूंगफली का तेल या देसी घी के अंदर ही ये बनेंगे, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल के अंदर व्रत की रेसिपी नहीं बनती है। और मैं इसको शेल फ्राई करूँगा, आप चाहे डीप फ्राई भी कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया तो उस पर हम अपनी टिक्कियाँ डालते हैं। अब इतनी आ जाती है, चार आ जाएंगी मेरे ख्याल से, और इसको यहाँ से हम फ्राई कर लेते हैं। इतना ये अच्छी तरह से नीचे से करारी नहीं हो जाती तब तक पलटेंगे नहीं, नीचे से थोड़ी क्रिस्पी हो गई है तो पलट लेते हैं आराम से। साइड से इसको हम क्रारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्रिस्पी हो गई है तो उनको निकाल लेते हैं फटाफट और सर्व करेंगे। क्रिस्पी करारी हो गई है बिल्कुल, दाल और
बाकी पचुई को मैं ऐसे ही फ्राई कर लेता हूँ, और जब तक वो फ्राई होती है तो मैं इसके साथ सर्व करने के लिए एक रायता बना लेता हूँ सिंपल सा। एक कटोरी मैंने दही ली है तो इसमें डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, और डालेगा इसके अंदर भुना हुआ जीरा क्रश करके, सिंपल सा रायता हमारा तैयार है। इसको रखते हैं अलग से और सर्व करते हैं फटाफट। और हमारी साबुदानी की टिक्की और वड़े रेडी है सर्व करने के लिए, साथ में मैंने खीरा, मीठी चटनी और धनिया पुदीने की चटनी और रायता रखा है। आई होप आपको मेरे बनाई हुई क्रिस्पी करारी साबुदाने की टिक्की और साबुदाने के बड़े रेसिपी पसंद आई होगी बर्थ वाली, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।